वालेकुम गाइस, कैसे हैं? अच्छा, ये पसीना नज़र आ रहा है आपको, इससे जान छुड़ाने का एक ही तरीका है, नारान का टूर। देखें, अभी कोई फाइनल नहीं हो रहा हमारा, कुछ दोस्त हैं पिंडी से, उनको भी साथ अटैच करना है, तो फिर देखें किधर निकलना है। तो बाकी मेरे साथ इमरान भाई हैं और साथ राहुल साहब, हाफिज़ फैसल साहब। तो हाँ जी इमरान भाई, तैयार हो सर? बिल्कुल भाई। हाँ जी, तो सारा सामान शान असी रख लिया है, जो जो चीज़ हमारा ये है कि खुद ही कैंपिंग करनी है, खुद ही खाना पकाना है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। हाँ जी राव साहब, किससे पहुंच गए? सर हम तकरीबन पहुंच गए फेरे के करीब। यार तुसी तो तुहानू पता, तुसी पूरी भर्ती करके आए जी, असी तो खाना खाना है। क्यों आफत साहब खाना खाने आया ना, भुख लग रही? नहीं मैंने खा के, तुसी खा के आए हो? सर अक्सरियत दी राय है, मेरा ख्याल तुसी भी खामोश हो। खाना खाना है यार, असी खाना खाता है सर। असी बंदियां दी गल कर रहे हैं, मौलाना इमरान साहब तुहाडी गल नहीं कर रहे। यार मेरे ज़हन च आ रहा है कि आप फिर मैं छटना भी शायद नहीं हसन अब्दाल तो ना मियां जी दी वो पराठा तंदूरी तो ओए 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 भाई बा खुदा, वो तो भूख ना भी लगी हो बंदा दो चार खा ही ले। सर मेनू पता ही तुसी भर्ती कर गया, तुसी फिर भी नहीं छड़ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर इंशाल्लाह सी जरूर खा। अजाब नहीं है वैसे, हमारा अभी ये फाइनल नहीं है, अभी ये प्री फाइनल है। सर फाइनल वही होगा। हां जी हसन अब्दाल के पास जाके देखते हैं। फाइनल वही होगा जहां ब्रेक लगेगी, जहां पर भूख की एंड हो जाएगी ना। अभी हमने राव साहब का, हमारे मोस्ट सीनियर। नहीं नहीं मैं सीनियर नहीं हूँ भाई। अच्छा। उम्र अभी मेरी है क्या, अभी तो मेरी लाड़ी मुझे भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो पूरी भर्ती करके आए ना, तो जो भर्ती थोड़ी थल्ले हो जाएगी ना, फिर ही ऐसी पुश के ना बोल। नहीं भाई आप जब आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं, आप उस पर नहीं, इतना थोड़ा बहुत हम खाते रहते हैं यार, नो प्रॉब्लम। बड़ी प्लेट? नहीं नहीं सर मैंने चावल खाया, प्लेट वैसी की वैसी है, यकीन करें। सर हम आपको इंसान ही तसव्वुर कर रहे हैं माशाल्लाह। जजाक अल्लाह सर, ये आपकी नवाजिश है, लेकिन मैं नहीं ना तसव्वुर कर। एट द एंड जब राव साहब को जगह बनी है, उन्होंने कहा जी हाँ मैं खाने की काबिल हूँ, हमने कहा फिर ठीक है, फिर फाइनल ये हुआ कि मियाँ जी ने जाना है। सर जी जी अलहमदुल्ला सर, तंदूरी पराठे हो जाएगा कमाल। अच्छा जी आपको ये बताते चले कि ये मियाँ जी वो नहीं है जो गुजरात वाला है ना? नहीं नहीं ये और है, ये हसन अब्दाल, ये हसन अब्दाल वाला है वो मियाँ जी और बनाए। राव साहब कह रहे हैं कि हमने कम खाना खाना है, इसलिए उन्होंने सिर्फ दो पराठे ऑर्डर किए हैं, और इनकी जो स्पेशलिटी वो दाल में देसी घी की दाल है। बस देखिए आप क्या करते हैं राव साहब। ओहो देखें ये है तंदूरी पराठा, देसी घी लगा हुआ ऊपर। राव साहब आप पहचान भी नहीं रहे हैं। फैसल साहब हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? हाँ 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 अच्छा जी, मज़ा नहीं आ पड़े भाई थोड़ा सा। हाँ जी हमारे नाम मज़ा। हाँ जी भाई, प्लान यही था कि सारा कुछ खुद बनाए खाना है। एट द एंड सुबह से निकले हुए, अब आके नाश्ता किया है, और अब चलेगी चाय, और ये अब साथ खाने का कोई इंतज़ाम फैसल साहब लगे हुए कह रहे हैं जी एक नए तरीके से कोई डिश बनानी है, सारा कुछ इकट्ठा डाल देना है। क्या बात, ये हमने रखे हैं सिर्फ बर्तन धोने के लिए भजन और खाने के लिए। पहले हम इनको खिलाते हैं ताकि हमने ये हमारे बुजुर्ग के साथ आपके लिए खाना रखा हुआ है, रखा है आपको देते हैं। बैठ जाओ, ये क्या है नमाज पढ़ने। राव साहब इतना खाने में बिजी थे कि हमें राव साहब ने ना व्लॉग के बारे में भुला दिया। अल्लाह वल्लाह अल्लाह जानता है किसने क्या खाया यार, हम अल्लाह पे जोड़ देंगे ये पैसे, हम अल्लाह पे जोड़ेंगे। कहाँ पे हम रुके हुए थे? बड़वाई में। बड़वाई ये बटागुंडी से कितना, 15 किलोमीटर आ गया? कोई 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आ गए। यहाँ पे स्टे था और वही खाना खुद ही पकाया, फिर
राव साहब ने अपने कुंवारे हाथों से बनाया है। तो यहाँ से अब बाबू साहब कुंवारे हाथ से मैं हंस पड़ा। बाबू साहब जाना है ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से लोलो बाबू सर हमारा स्टॉप होगा, दरम्यान में आएगा लुलू सर, तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं। हाफिज साहब कितने हमारे हाफिज साहब हैं वो पैदल ही कहने यार यार नंबर गड्डी दे सब ना जाए ना ना जाए प्लीज ना जा ना जा ना, ना जम मारे जे यार तकाई दे दे यार इनू। हां जी इरफान भाई अच्छा जी इरफान भाई ठीक है सर तो प्याला जी अच्छा सर तुसी अंदर जम मार लगे जे ओए होए 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 यार इमरान तू उन्हें देखी देखी तू तेरा भी दिल कर पिया। फैसल साहब हंटिंग नॉट अलाउड अच्छा इतने शिकार नहीं कर सकते हो ना फिशिंग कर सकते हो ना कुछ और कर सकते हो समझ हंटिंग से बंदूक नाल चुंडी दा सिर सकदे अच्छा जी सर फिर कुंडियां ते कुंडियां उन्हें पता अपनी तो कुंडियां भी कुंडे आ पूरे रो भाई तुसी कुछ ना छड़ दा यार फैसल भाई तुम्हें तस्वीर दी पी रही अटंग यार। अच्छा जी हमारा वो क्या नाम है गाइड हाँ जी राव साहब आप कितनी जगह पे आ गए सर हम लुलू सर झील अच्छा जी इससे आगे गिलगित बल्तिस्तान स्टार्ट हो जाएगा चला आज की प्यारी टॉपिक इसकी आप हमें डेप्थ और लेंथ जरा कुछ बताएंगे कोशिश करेंगे बताने की सर मैं थोड़ा कि तो सुनया सी मैं सुने सी कि इनकी लंबाई तो मैंने याद नहीं है लेकिन डेप्थ 1.73 तकरीबन ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਝੀਲ ਦਾ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਝੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਸਲ ਜੋ ਐਸ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਟ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਝੀਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਡੈਪਥ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਬਈ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਅੰਟੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅੰਟੀ ਬਣਾਵਣਾ ਅੰਕਲ ਬਣਾਵਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਂਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਅੱਗੇ ਬਸੇਰੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇੰਤਹਾਈ ਗੰਦ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੰਡ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਣ ਕੰਮ ਕਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰ ਹੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸੇਤ ਅੱਛਾ ਡੰਗਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਲਿਟਰੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਾਰਡੀ ਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਸਟੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਾ ਖਜਬ ਆਪ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲਾਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਬੜੀ ਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਹੈ ਰਾਵੀ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਡੈਪਥ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਣਾ ਮਰਿਆ ਹਾਤੀ ਜਿੰਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੀਨਸ ਕਿਉਂਵੇਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਕੂਰੇਟ ਡੈਪਥ ਕਿੰਨੀ ਯਾਰ ਹੈ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਰਾਓਗੇ नहीं नहीं मीठी ज्यादा यही है यार ये लेनी चाहिए नहीं नहीं हमने वही लेनी
वो शुरू वाली सेम ही है ना, ये लगा वो जो पड़ी है। राव साहब पाओ आपे, राव साहब पाओ आपे पाओ, ये दो किलो की करनी, दो किलो पर रख देना, अलग अलग एक किलो यार गली में डालना भाई। यार इन लोग ये जबरदस्त जो कर, चल क्या बात है, ये एक दाना ले रहा हूँ मैं आपका। अच्छा सही आती यार, ये सही डालो ना यार, ये देखना बस ठीक है। अच्छा स्टोर में चेरी होती है, कौन लड़का ही लीजिए बैठिए। वो भाई हमारी यार ये प्यार है यहाँ का, उन्होंने कहा यार उन्होंने दिए हैं साथ, उन्होंने कहा हम आपको धो देते हैं ठंडे पानी से। क्या बात, पानी डाल के ले आओ थोड़ा साहब। ओहो पानी चेक करें यार माशाल्लाह से, यार शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह तेरा शुक्र है, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं है। कहाँ पहुँच गया? अलहमदिल्ला जी, अलहमदिल्ला बाबूसर टॉप पे आ गया जी। बाबूसर टॉप, क्या बात है। बाबूसर बेसिकली यहाँ पे एक गाँव है, उसका नाम है टॉप, पहाड़ की चोटी को कहते हैं। फैसल साहब आप कह रहे थे आपने वो उस पर बैठना है जिप लाइन पे, ये ऊपर है बैठना है। यदि राव साहब अय्याशी करते हुए कच्चे बादाम खाते हुए, इन्होंने ना खुबानियाँ खाई हैं और इनको किसी ने कह दिया कि भाई आप ये खाएंगे तो आपका पेट ख़राब नहीं होगा। इसी तरह ये यानी कि असल में राव साहब कहते हैं ना भाई इतने आके नहीं जरूर तो पैसे लाए ने थे खुबानी के नाल गिटना को छट गया है। yes. ये आपकी बात, क्या बात है फैसल साहब, चेक करो यार एक पीछे हट जा, उधर तो बहुत बहुत बोलिया बिल्कुल अपने हिस्से दिया, मेरी एक खुबानी जो काट गई मेरा पेट खराब हो गया। क्या बात है भाई, क्या बात, क्या बात है। राव साहब बादाम खा के फारग हो गए। राव साहब मरवा दिता जे, नाश्ता हूँ कराने लगे जे, एक बज गया हूँ नाश्ता करा रहे हो। सर इससे पहले जो हमने आम खाए और कच्ची लस्सी आपने 1.5 लीटर छिटकी है वो किस खाते में जाएगी भाई? सर वो सुबह 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 था, पानी का तो कोई पता ही नहीं था। सर नाश्ता नाश्ता होता है, नाश्ता नाश्ता होता है। क्या बात, कमाल का बर्गर वैसे ही मरा। ओ भाई भाई फैसल साहब ने बायकॉट कर दिया, कहते मैं नहीं खाऊंगा, वो बैठे हैं और राव साहब ने इंतजार किए बगैर शुरू कर दिया। यार कढ़ाई जी खा रहे हो, चलो सर लिखा हो शायद कितने लिखा है नहीं है, बाकी थोड़ी जी कोशिश लोगों ने भी छोड़ देनी चाहिए, वो अपनी कोशिश करो भाई की है। अच्छा जी यहाँ पे अब ये जो दुनिया के तीन बड़े जो पहाड़ी सिलसिले हैं, एक ये वाला है, एक ये दरमियान वाला है और एक ये वाला है। अब इनमें से एक कराक्रम है, एक हिमालय है और हिंदू कश है, ये कराक्रम है और ये अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला, ये आपने खुद ढूंढना है। यहाँ पे आके राव साहब का नॉलेज ना डाउन हो गया है। तो आ रहा वो हिमालय,
ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਹੇ ਕਰਾ ਗਰਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁੱਕਾ ਇਹ ਟਕਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਰابطਾ ਕਰੀਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੜੇ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਵੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਤ ਤੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਕਾਮ ਆਪ ਬਾਕੀ ਆਪ ਬਾਕੀ ਇਸਕਾ ਜੋ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਗੂਗਲ ਆਂਟੀ ਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁੱਕੇ ਤੇ ਅੜੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਸ ਆਪ ਗੂਗਲ ਆਂਟੀ ਸੇ ਆਪ ਲਏ ਫਾਇਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟਿਕਟ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਗਾ ਬਾਗੇ ਅਸਲ ਇਸ ਪਗੜੀ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਆਪਦੀ ਯਾਰ ਤੋਂ ਸਰ ਆਪਕੋ ਹਮਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਕਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਆਪ ਹਮੇ ਹਮਾਰੇ ਗਾਈਡ ਔਰ ਰਹਿਬਰ ਹੈਂ ਹਮ ਆਪਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਅਲਤਾ ਫੋਰਟ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਤਾਬਾਦ ਝੀਲ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਲਤਾ ਬਸ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਕਮ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਰਾਤ ਕੋ 10 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸਰ आई थिंक ये इसकी बैक साइड पे फोर्ट है कहीं देखते हैं अब कहाँ पे जाके किसी ने सेब खाने हो तो भाई खुद अपनी जिम्मेदारी भी उतार सकता है फोटो खींचो हेलो सर राव साहब आपने अगर सेब उतारना है अपनी जिम्मेदारी भी उतार रहे हैं सर अभी पेट खराब होने का खतरा फैसल साहब को तो फिर बड़ी सख्त ज़रूरत है कच्चे सेब की यार ये किसी को नजर आ रही है तो खुद ही ढूंढ ले माशाल्लाह ये अभी है कच्ची दिखाओ जी अच्छा ये टिकट है पर पर्सन जबरदस्त लेकिन माशाल्लाह ओए होए होए ओए जालिमों ओए जालिमों चेंज करता पहले सीधा जाता अच्छा अच्छा तो ये अंदर नहीं जा सकते मतलब खाने के लिए अंदर नहीं आते हेलो यार हेलो चेक करो ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਰਸਤਾ ਫਾਰਮਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੁੱਪੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਹਾਂ ਸੇ ਫਿਰ ਆਗੇ ਆਪਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਦੀ ਫੋਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਏ ਜੋ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਤਾ ਵਿੱਚ ਬਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1100 ਸਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਰੌਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਈ
اچھا آگے سے آیا ابھی مطلب کہ وہ ورتھ بھی زیادہ ہے. اچھا جی اس میں بقول ان کے یہاں پر کہ کھانے کی اشیاء وغیرہ گندم جو جو بھی رکھے جاتے تھے وہ تھے. اور اس کے اندر انہوں نے سیو کی ہوتی تھی شراب اور وائن وغیرہ جو اس پانی میں چلتی تھی. اور یہاں سے ویو دیکھیں کیا بات ہے. اچھا نیچے دریا ہے بالکل. یہ ویو ہے ادھر سے. اچھا یہ ایک قبر ہے یہاں پر. کہتے ہیں کہ جس طرح نارگلی کو چنوایا تھا اس طرح وہ جو بادشاہ تھا اس کے بیٹوں میں سے اختلافات ہو گئے کسی شہزادی کے اوپر تو بس پھر انہوں نے بڑے نے چھوٹے کو یہاں پر چنوا دیا. اور کہتے ہیں ابھی بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اسکلز وغیرہ اور ہڈیاں ابھی بھی پائی جاتی ہیں. یہ ہوا کے لیے برسائے رکھے ہوئے ہیں. جیسے رستہ بھی جاتا ہے اوپر جانے کا تو اس کو دیکھتے ہیں ابھی. اچھا جی اوپر کئی منزلیں ہیں اس کی. آئی تھنک تین دو تین منزلیں ہیں اس زمانے کی. جلدی چلے. جی جی سر وزیر. اچھا جی یہ تھا قید خانہ. قید خانہ کہ جس کو اگر کچھ عرصے کے لیے سدھار کے لیے سزا دی جائے تو اس کو اس کے لیے اندر. یہاں سے تھلو اتری کھاؤ یار ذرا. یہ اندر کا ایک روم آئی تھنک اس کو بیڈ روم یوز کیا جاتا ہوگا. یہ روم ہوتا تھا جس کے لیے جس کے اندر بیٹھک وغیرہ کوئی مہمان وغیرہ گیسٹ وغیرہ وہاں پر جو فروٹ سبزی وغیرہ ان کو سیو کرنے کے لیے اس کے اندر گندم وغیرہ سیو کرنے کے لیے باقی یہ جو اس ٹائم کے برتن وغیرہ فروٹس وغیرہ کے لیے یہ اس ٹائم وائن وغیرہ یوز ہوتی تھی اس کے لیے. فریم کرا کے یہ کون لے گیا تھے لبو انو سنو لبو. یہ بیڈ روم ہے. نہیں وہی ابھی آپ کو بتا سمجھے پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سمجھیں یعنی تھور میں نہیں آئے گی اور صبح کے چار چوتھا راؤ مطلب یہاں پہ ہندو مذہب کا چیتا باغ لگاتے ہیں یہاں پہ بیچ کیا کرتے ہیں انتاکھنی کھیلتے ہیں چیتا کہتے ہیں چیتا باغ لگاتے ہیں بڑی جگہ نہیں ہے بھائی یار یہ بادشاہ کی جگہ ہے یار میں اس سے کم جگہ تو کیا کرتے ہیں انتاکھنی کھیلتے ہیں یہاں انتاکھنی بادشاہ کے ہاتھ وغیرہ پاؤں وغیرہ روئے کے لیے وہ جو آپ کو پیچھے پہاڑی جیسی بنی ہوئی دکھ رہی سیمنٹ کے اوپر کونے میں بالکل لاسٹ پارٹ وہاں پر موسم سرما میں جو کنگز کی جو میڈ ہوتی تھی رویل فیملی کی جو پرس بھرتی جو ویٹ میڈ ہوتی تھی گائے ہوتی تھی وہ ان کی نگہداشت دیکھ بھال اور پرورش ان کی مانگ کرتی تھی تاکہ بچہ گرم رہے ٹھنڈ میں بیمار یا کوئی پرابلم ایشوز نہ ہو جائے بچے کو. دیکھیں وہاں ایک چھوٹا سا وہاں پہ اسٹور روم ہے اس کے اندر پل پور سبزیاں سیم لائک پریویس اگر ہوں پرزرو کرتے تھے اسٹور. اب اس روم کی سب سے سن ڈائل. اچھا آپ لوگوں کو ہٹ دیتا ہوں ہزار سال کے لیے کوئی گھڑیاں وڑیاں ٹھیک ہے ٹائم کا پتہ چلتا تھا سورج دیکھ ایگزیکٹلی اس کو کہتے ہیں سن ڈائل. سورج کی کرنوں سے سن ریز سن لائٹ کی مدد سے وقت کا تخمینہ اسٹیمیٹ اندازہ لگا. اس پہ آ کے اس کے کچھ شیڈ یا شیڈوز بنتے تھے اس ٹائم کے ریفلیکشن کے یعنی سن کے اس شیڈ اور شیڈو سے اینگلس کے حساب سے اینگلس کو دیکھتے ہوئے وہ وقت کو پیروں میں ڈیوائڈ کرتے تھے. کون لکڑی بڑی بہت پرانی لگی ہوئی ہے. یہ رستہ بھی تھا ایک ایگزٹ کا یہاں سے باہر جانا وہاں سے. Yeah.
अब वो देखें सबसे आखिरी वाला, देखिए आपको पीक दिख रहा है बादलों में घिरा हुआ जो पीक, उसको दस्तकील पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप उस जगह को मैं आपको ले जाऊंगा जहाँ पे दुश्मनों को खेफर एक किरदार तक या अंजाम तक पहुँचाया जाता था। फैसल को पकड़ के लाया गया, हमारे कुछ दुश्मन हमको सजा दी, कुछ लोग इधर खड़े हो जाए, कुछ मार लें कि कुछ जगह से फैसल को यहाँ पे खड़ा करें। ये खड़ा तो आप लोग थोड़ा और थोड़ा आगे चले तो बहुत बड़ा ग्रुप, आराम से दुश्मन को भी खा जाते, दुश्मन को भी खा जाए। ये चरागाहों पे और पहाड़ों पे खास करके खुंजराब चाइना बॉर्डर माफी कला को मिलता है। इसकी सिंगे रियल है लेकिन जो उसकी बॉडी है मारकोर की वो लकड़ी से तराशी हुई क्राफ्टिंग की, उसको डिजाइन किया वुडन, क्योंकि उस जमाने में हमारे 800 साल के यहाँ का लोकल आर्टिस्ट था, उसने वो बना के गिफ्ट किया। कुछ दिल बस्तान के लिए कौमी जानवर, पाकिस्तान में कौमी जानवर है, इसलिए वो वहाँ पर चश्मा किया जस लेके। ओहो हो भाई बहुत डर लग रहा है। इससे पहले कि हमें यहाँ पर ये डेथ सेंटेंस, सजाए मौत, जिसको फाइनल सजाए मौत दी जाती थी उसके लिए। अंदर एक रूम है जिसके अंदर यानी कि उसको एक आजमाइश के तौर पर फेंका जाता था कि अगर बच गया तो किस्मत, ना बचा तो अल्लाह वारस, कि यानी कि इसकी किस्मत के ऊपर है कि इसका इतना बड़ा गुनाह नहीं था। ओ ये शिपा अंदर फिर रही है।